Hey students, welcome back. आज के इस लेक्चर में हम रिपीटेड क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जाम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन है कि शो दैट फॉर अ गिवन कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, z इज इक्वल टू a थीटा cot बीटा, वेयर a एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, शो दैट टाउ ओवर कैपा व्हिच इज इक्वल टू कॉट बीटा। यानी हमें इस गिवन कर्व के लिए इस इक्वालिटी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा गिवन है पैरामीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। कैपा का ये रिजल्ट यूज करेंगे और टॉर्शन का ये रिजल्ट यूज करेंगे। यानी हम डॉट वाले जो हमारे पास है फार्मूलाज हैं, हम इनको सॉल्व यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए और डॉट चाहिए और डबल डॉट चाहिए और ट्रिपल डॉट चाहिए। तो पहले हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो आर किसकी इक्वल है, ए कॉस ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा, ए थीटा कॉट थीटा। तो आर डॉट पर क्या हो जाएगा, अब हम इसी आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, यानी माइनस ए साइन थीटा आएगा, ए कॉस थीटा, ए हमारे पास कॉट थीटा आएगा। क्योंकि इस टर्म का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, ए कॉट थीटा आता है। आर डबल डॉट क्या आएगा, इसी आर डॉट का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा जीरो। अब अगेन इसी आर डबल डॉट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, आर ट्रिपल डॉट आता है, वो इक्वल आता है ए साइन थीटा। यानी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस इस वजह से कैंसिल हो गई, तो ए साइन थीटा। और देखिए साइन का क्या आता है, कॉस, यानी माइनस ए कॉस थीटा, और ये जीरो वैसे रहेगा। अब हमें चाहिए आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब चाहिए, ठीक है। तो पहले हम आर डॉट की मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, वो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी हमें पहले टर्म का स्क्वायर लेंगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर, ये होती है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा। यहाँ पर पहले दो टर्म से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आते हैं और ये रिजल्ट होते हैं वन थीटा। बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम अगेन ए स्क्वायर को कॉमन लें और होल स्क्वायर रूट से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आर डॉट की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आ जाएगी, ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला वन प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास आर डॉट की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आ जाएगी, ए कोसेकेंट बीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ऊपर क्या थी होल स्क्वायर रूट थी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आर डॉट का इसकी मैग्नीट्यूड का आएगा ए कोसेकेंट बीटा आएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए फॉर्मूले में आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब चाहिए, इसका क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब कोसेकेंट क्यूब बीटा। तो ये हमारे पास पहली टर्म हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे बना दिया। अब हमें चाहिए आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको कैसे देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले हम आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट करते हैं, वो क्या आता है, आई जे के, यहाँ पर हमने आर डॉट की वैल्यू लिख ली, ये सारी आर डॉट की वैल्यू और ये आर डबल डॉट की हमारे पास वैल्यू। इसको सॉल्व करें तो देखें बाय यूजिंग रॉ एक्सपेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आई वैसे आ जाएगा इनटू हमारे पास, यानी ये पहला रॉ कैंसल, पहला कॉलम कैंसल, तो बाकी हमारे पास ए कॉस थीटा ए कॉट बीटा माइनस ए साइन थीटा जीरो और माइनस ये हमारे पास अब क्या होगा कि ये पहली रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, बाकी ये टर्म्स आ जाएंगी प्लस ए, और यानी ये पहली रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बाकी हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। इसको मजीद हमने सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, आई एन टू, अब देखें ये टर्म जीरो और इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें और दरमियान में अगर हम नेगेटिव लगाएं ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉट थीटा माइनस ये, अब ये टर्म जीरो और ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, ए स्क्वायर
cos थीटा cot बीटा प्लस के। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और दरमियान में अगर हम नेगेटिव लगाएं तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, यह आता है देखें ए स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा और इसका क्या आता है ए स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा। ये नेगेटिव थी और दरमियान में नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव टर्म आ गई और ये टर्म क्या आ गई ए स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट तो आता है आई इन टू ए स्क्वायर sin थीटा cot थीटा माइनस ये ए स्क्वायर cos थीटा cot थीटा प्लस ए स्क्वायर के। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लें और बाकी हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, वो रिजल्ट होता है 1 के इक्वल। इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास पहली बाकी आ जाएंगे। अब हमने इसके क्या करनी है मैग्नीट्यूड लेनी है तो पहले टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर रूट। इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट वो इक्वल आता है। अब ये इस टर्म का स्क्वायर लें तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस क्या आ जाएगा ए की पावर 4 कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर 4 और कॉट की कॉट बीटा की पावर 4 ठीक है और सॉरी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा यानी कॉस का भी स्क्वायर होगा और कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा होगा। यहाँ पर सिर्फ ए की पावर 4 होगी प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए की पावर 4। अब देखिए इन तीनों से हमारे पास क्या होता है अब हम क्या करें कि इन पहली दो टर्म से कॉमन क्या लें ए की पावर 4 और कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा। ये देखिए इन तीनों टर्म्स में तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है ए की पावर 4 कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा कॉमन आ रहा है तो इसको अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इन टू हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए की पावर 4 तो ये रिजल्ट 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा ए की पावर 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 को अगर हम मजीद कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है अब ये ए की पावर 4 ऊपर क्या था होल स्क्वायर रूट था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा बाकी 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये सिंपली हमारे पास r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की क्या वैल्यू आएगी ए स्क्वायर कोसेकेंट बीटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे 2 बना लिया ठीक है। हमने पहले एक इक्वेशन स्टेरे ड्राइव की अब हमने क्या किया स्टेरे डबल ड्राइव इक्वेशन बाय यूजिंग स्टेरे एंड डबल स्टेरे हमारे पास क्या आता है कि किसके इक्वल आएगा कैपा r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की मैग्नीट्यूड ओवर r डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो देखें इसकी वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर कोसेकेंट बीटा और नीचे वाले टर्म क्या आती है ए क्यूब कोसेकेंट क्यूब बीटा। तो ये इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर ए कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ बीटा जो कि इक्वल आ गया 1 ओवर ए साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। सेकेंड को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर ए साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया यानी हमने कैपा की वैल्यू क्या की ड्राइव कर ली। अब हमें टॉर्शन की वैल्यू चाहिए टॉर्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखिए हमें इसके लिए इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए तो हमने पहले r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें r ट्रिपल डॉट से तो हमें इसकी क्या मिल जाएगी ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा इन तीनों टर्म्स का। देखें क्या रिजल्ट आता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की क्या वैल्यू है आयोटा इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा कॉट बीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉट बीटा जे प्लस ए स्क्वायर के डॉट। अब हम क्या आर ट्रिपल डॉट की क्या वैल्यू आती है ए साइन थीटा आई माइनस ए कॉस थीटा जे प्लस जीरो के। अब इनका देखें आई वाली के टर्म आई आई के साथ होगी जे वाली जे के साथ के वाली के साथ इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता क्या आता है अब इस टर्म का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें इस टर्म से तो हमारे पास क्या आता है ए क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट बीटा प्लस अब इस टर्म को इस टर्म से अगर आप डॉट पर डॉट लें तो क्या आता है प्लस ए क्यूब कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट बीटा और ये टर्म टोटल क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी। इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो ए क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट बीटा प्लस ए क्यूब कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा कॉट बीटा। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है ए क्यूब कॉट बीटा आता है यहाँ पर भी ए क्यूब है कॉट बीटा है यहाँ पर भी ए क्यूब है कॉट बीटा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा यानी ए क्यूब कॉट बीटा इंटू
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये रिजल्ट होता है 1 के इक्वल, यानी हमें इन तीनों टर्म्स का जो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए क्यूब कॉट थीटा। तो अगर हम इसका स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है ट्रिपल स्टेयर है, और ये हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर लें, यानी हमें टॉर्शन किसकी पोलर स्टूडेंट्स, यानी टॉर्शन की हमारे पास वैल्यू है आर डॉट, ठीक है, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट और ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर हमें आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड गिवन थी, तो यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 स्टेयर है। अब हम इन इक्वेशन को यूज करते हुए टॉर्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्शन हमारे पास किसकी इक्वल आता है, देखें तो हमारे पास आएगा इन दोनों, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को, इनकी वैल्यूज को करें तो हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब कॉट बीटा ओवर ए की पावर 4 सेकंड स्क्वायर ऑफ बीटा। तो देखें कॉट बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए क्यूब और ये ए की पावर 4 है, यहाँ से ए क्यूब कैंसिल, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस इक्वल टू 1 ओवर ए साइन बीटा कॉस बीटा, तो ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आता है, यानी टॉप है। तो ये इक्वेशन नंबर 3, तो डिवाइड इक्वेशन 3/2। अब हमने क्या करना है कि टॉ ओवर कैपा निकालना है, तो पहले हम टॉ इस इक्वेशन 3 को 2 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास देखें क्या रिजल्ट आता है, टॉ ओवर कैपा विच इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन बीटा कॉस बीटा, क्रॉस क्या हो जाएगा, ए ओवर साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिंपली ए से हमारे पास ए भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा जो क्या होता है कॉट बीटा। तो हमने प्रूफ कर लिया कि टॉ ओवर कैपा विच इज इक्वल टू कॉट बीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।